मॉनसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायकों का एक अनोखा प्रदर्शन गुरुवार को देखने को मिला, जहां विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों को देर रात वेल से बाहर टांग कर निकाला गया। मार्शलों ने विधायकों को टांग कर बाहर निकाला। बाहर निकाले जाने पर भी विधायक जमकर नारेबाजी कर रहे थे। झारखंड विधानसभा में देर रात तक हंगामा शांत नहीं हुआ। सदन के अंदर बिना बिजली पानी और एसी के विधायक बंद हैं। अब विधायक की दवा और अन्य सामान अंदर जाने से रोक दिया गया है। गेट नंबर 4 पर मौजूद मार्शल ने ऊपर से आदेश होने की बात कहकर विधायक के सहायकों को वापस भेज दिया। इस पर सदन के अंदर वेल में मौजूद विधायक अमित मंडल ने एसडी न्यूज से फोन पर बात करते हुए इसे आपातकाल बताया है। उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब है। सदन के अंदर की लाइट 8 घंटे से काटकर रखी गई है। पानी से लेकर बिजली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वही विधायक अमित मंडल ने कहा कि जब तक हेमंत सोरेन जवाब नहीं दे देते हैं तब तक यह धरना जारी रहेगा। आखिर जो वादा हेमंत सोरेन ने किया था उसका क्या हुआ? 5 लाख रोजगार के मुद्दे पर सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, यह सोचने वाली बात है। देखिए, सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार अनुबंध कर्मी के सवाल पर, छात्र के रोजगार के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर और जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच कराने के सवाल पर हम लोगों के द्वारा सदन के अंदर प्रदर्शन किया गया। पहले सदन की लाइट बंद कर दी गई, एसी बंद कर दिया गया, कई घंटों तक शौचालय नहीं जाने दिया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सदन के अंदर डटे रहे। मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन अपना कोरम पूरा करके वो अनमने ढंग से चले जाते हैं। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अभी रात के 10 बजे मुख्यमंत्री के निर्देश पर अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा सचिव को भेज करके हम सभी विधायकों को बारी बारी से, यहां तक कि महिला विधायकों को भी मार्शल से उठा उठा करके 15-15, 20-20 मार्शल लग करके और उठा उठा करके बाहर पटकने का काम किया, फेंकने का काम किया। मार्शल के फेंक देने के बाद भी ये लड़ाई हम लोगों को निरंतर जारी है, आगे भी हम लोगों की लड़ाई रहेगी। मुख्यमंत्री इसका जवाब दे और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अनुबंध कर्मी से और झारखंड के छात्रों से माफी मांगे, ये हम लोगों का मांग है। फिलहाल ये पूरी रात बची हुई है तो क्या आप अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू रख रहे हैं या आप अभी उसको ब्रेक दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोगों का प्रदर्शन कंटिन्यू है। आज सुबह से लेकर के अभी तक मार्शल आउट होने के बाद भी हम लोगों का प्रदर्शन जारी है। हम लोग विधानसभा के अंदर ही रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि कल मुख्यमंत्री के सदन प्रारंभ होने के बाद वक्तव्य नहीं आ जाता या अनुबंध कर्मी के साथ साथ जो जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम हुए हैं उसका सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देते तब तक ये मांग हम लोगों का चलता रहे। मानसून सत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के युवाओं की आवाज, प्रदेश से नौजवानों से जो झूठे वादे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्याय दिलाएंगे, ऐसे सारे युवाओं की आवाज को लेकर लगातार हम सदन से सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे। और आज जब नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से कहा कि युवाओं के सवाल पर आप चर्चा कराइए, संविदा कर्मियों की चर्चा कराइए, ये राज्य के युवाओं का सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है उस गड़बड़ियों पर चर्चा कराइए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप चर्चा नहीं कराएंगे तब तक हम सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना बैठे रहेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा को एडजोर्न कर दिया और उसके बाद विधानसभा के अंदर का बिजली काट दी गई, विधानसभा के अंदर का अंधेरा कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण बैठकर धरना कराए और जिस प्रकार से मार्शल से बुला करके
मध्यरात्रि में मार्शल को बुला करके सभी सम्मानित विधायकों को बाहर निकाला गया। यह वास्तव में लोकतंत्र की चिंताजनक है और युवाओं की आवाज, चाहे जितना भी आप प्रताड़न कर ले, युवाओं की आवाज इस सदन से लेकर के और सड़क तक भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। क्या मैसेज जाएगा जो बाहर जो जनता देखती है? नहीं, ये तो लोकतंत्र का चीरहरण है। लोकतंत्र में एक तो आप युवाओं के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं, हर प्रकार की लोकतांत्रिक विधाओं के माध्यम से जब कार्यस्थगन लाते हैं तो चर्चा से सरकार भाग जा रही है, और जब उनकी बात कहते हैं कि आप उनके बारे में चर्चा करिए तो इसी प्रकार का उसकी आवाज को भी दबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सदन से लेकर के और सड़क तक ये आवाज चलती रहेगी। देखिए, हम लोगों ने 1500 की मांग को जो लेकर सदन में हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं, राज्य के युवाओं को रोजगार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायीकरण करने का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था चुनाव के पहले, वो सवाल को हम लोगों ने उठाया। मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण करने का मामला हो, संविदा कर्मियों का स्थायी करने का मामला हो, चाहे हमारे पारा टीचर भाइयों को वेतनमान, अस्थायी वेतनमान लागू करने का मामला हो, चाहे कृषक मित्र का मानदेय लागू करने का मामला हो, चाहे जसएलपीएस वाहनों की सुविधाएं देने की मांग हो, चाहे जसएलपीएस कर्मियों को सरकारी लाभ देने का मामला हो, जो हमारे जसएलपीएस अधिकारियों को हटाने की बात चल रही है उनको अस्थायी करने का मामला हो, जो तेजस्वी वाहनों को हटा दिया सरकार ने काम से, उनको कब से सरकार कब सरकार लगाएगी उसको, वो मामला हो, चाहे हमारे पोषण सखी वाहनों को हटा दिया गया, इस राज्य में 15,000 पोषण सखी वाहन उसके मामला हो, चाहे जल सहिया वाहन जिनका 4 साल से मानदेय सरकार ने रोक के रखा है वो मामला हो, चाहे हमारे जो है सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, चाहे हमारे अनुबंध कर्मचारी के तहत जितने भी अधिक कर्मचारी आते हैं सरकारी कर्मचारी हो, इन सब के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर में जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री सदन से निकल गए, और 2 बजे की जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने जो आवाज उठाया तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया कल 11 बजे तक के लिए। फिर हम लोगों ने वो सदन के भीतर धरना देने का काम हम लोगों ने किया, लाइट बिजली काट दिया गया, 4 से 5 घंटा के बीच में हम लोग को एकदम अंधेरे में रखा गया, बाथरूम को जाने का इजाजत नहीं दी गई, हमारी महिला विधायकों को काफी प्रताड़ित किया गया, और बाद में मुख्यमंत्री जी बाद में आए और आके खाना पूर्ति, हम लोगों ने कहा जो हम लोग की जो मांगे हैं मांगों का आप सदन में हम लोग आश्वस्त है कल सदन में जवाब आप देंगे, तो मुख्यमंत्री ने टाल मटोल किया और मुख्यमंत्री सिर्फ दाएं बाएं बतियाते रहे कि आप लोग निकल जाइए। हम लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं देंगे आपका सदन में आप जवाब देंगे तब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। उसके बाद अभी मास्क लगा के हम लोग को बाहर कर दिया गया, हम लोग में बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर धरना पर रात भर यहीं पर डटे हुए रहेंगे, और कल भी जब तक मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग विधानसभा में डटे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे राज्य नौजवानों के हितों की आवाज। Thank you.